हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 34 साइज पेडल ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो देखिए ये फिर देखिए इस ब्लाउज को काट करने के लिए हमें 65 सेंटीमीटर आस्तर लिया है। तो फिर चलिए देखते हैं इसको किस तरह से काट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर में काट करना है, अस्तर में काट करने के बाद हम फैब्रिक में काट करना है। तो देखिए हम अस्तर को 2 फोल्ड में पिसाना है, इस तरीके से 2 फोल्ड करना है। चाहे तो आप पहले फैब्रिक में काट करना है तो आप पहले फैब्रिक में भी काट कर सकती है, क्योंकि पहले अस्तर काट करने से फैब्रिक कम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से काट कर। ब्लाउज का लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए, कम ज़्यादा हम यहाँ से 14 इंच पर रखूँगे। लंबाई अब आपका हाइट के अनुसार रख लीजिए। और देखिए यहाँ से लेना है शोल्डर, शोल्डर हम 5 इंच पर रखूँगे। उसके बाद हमें आर्म होल लेना है, आर्म होल हम 5.5 इंच से 2 छूट ज़्यादा रखूँगे। ये 34 साइज है इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा कम लिया है। और यहाँ से देखिए 5 इंच बराबर मिलाना है। उसके बाद हमें साइज लेना है, ये 34 साइज है तो 34 का ज़्यादा हिस्सा लेना है 8.5 इंच। उसके बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से मिलता है हम पूरा ही रख देना है एक्स्ट्रा के लिए। यहाँ से कमर में हम 1 इंच कम करना है। उसके बाद देखिए आमहुल से और एक मेजरमेंट देना है, ये मैं 1.5 इंच पर रखूँगी। फिर इसको हम मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद हमें बैक नेक लेना है, तो देखिए हम यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है। फिर यहाँ से 2.5 इंच हमें इसको बी टाइप में बनाना है, इस तरीके से। उसके बाद हमें इसको काट कर लेना है। बैक पार्ट काट कर लिया, अभी हम फ्रंट पार्ट काट करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट काट करने के लिए हम फिर अस्तर को फिर से 2 फोल्ड में बिछाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट का निशाना लगाना है। बैक साइड से हमें फ्रंट साइड की तरफ 1 इंच इस तरह ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये पिंचेस काट है। अगर 1 इंच इस तरह ज़्यादा नहीं रखने से फ्रंट साइड की तरफ से लंबाई कम हो जाता है, तो इसलिए हम पहले 1 इंच इस तरह रखना है। तो देखिए उसके बाद हम बैक पार्ट के हिसाब से हमें निशाना लगाना है। उसके बाद हमें पेडल के लिए टैक्स लगाना है। तो देखिए टैक्स आपका हाइट के अनुसार लगा दीजिए, हम रहे से 10.5 इंच पर रखना है। और यहाँ से देखिए 3.4 इंच रखना है और यहाँ से भी 3.4 इंच। फिर हम इसको इस तरह से सीधा मिलाना है। उसके बाद हमें फ्रॉनेक लेना है, फ्रॉनेक देखिए कितने इंच तक रखना है, फ्रॉनेक हम 6.5 इंच तक रखूँगी। और यहाँ से 2.5 इंच, फिर देखिए इसको इस तरीके से मिलाना है, इस तरह से। तो देखिए ये बैग आर्म होल का निशान है, हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगाना है 1/2 इंच का लगभग।
उसके बाद देखिए यहाँ से हमें इस तरह फैब्रिक रखना है। ये तक सिलाई करने के बाद कपड़ा खींचा मार जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद देखिए हमें टैक्स लगाना है। हम 2 इंच का टैक्स लगाओगे, इस साइड 1 इंच और इस साइड 1 इंच। तो देखिए हम इसको मिलाना है। उसके बाद देखिए यहाँ से और एक पॉइंट लेना है, यहाँ 5.5 इंच पर लगाऊंगी, फिर इसको मिलाना है। तो देखिए ड्रापिंग कंप्लीट है, अब हम काट करना है। अस्तर में काट कर लिया, अभी हम फैब्रिक में काट करना है। तरीके फैब्रिक को भी हम 2 फोल्ड करके बिछाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें जो काटा हुआ अस्तर है हम इसके ऊपर आकर हमें काट कर लेना है। तो देखिए इसको अच्छे से मिला कर लेना है, उसके बाद काट कर लेना है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट काट करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में भी हम ठीक उसी तरीके से काट करना है, अस्तर को इसके ऊपर रखकर। उसके बाद हम यहाँ से स्लीव काट करना है। स्लीव को देखिए हम 4 फोल्ड करना है, जैसे कि 4 फोल्ड करने से 2 स्लीव एक साथ निकल जाएगा। तो देखिए आप इसको नाप लेकर भी काट कर सकते हैं, हम आइडिया से काट किया है। तो देखिए 34 साइज पेडल ब्लाउज कटिंग कंप्लीट है। उसके बाद हम इसको सिलाई करना है। सिलाई देखिए किस तरह से करना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सिलाई करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सिलाई करना है। देखिए आपको कौन सा पार्ट सिलाई करना है, आप अपने हिसाब से सिलाई कर लीजिए। हम यहाँ सबसे पहले बैक पार्ट सिलाई करना है, तो इसके लिए देखिए हम इसमें अलग से नेक पट्टी सिलाई नहीं करना है। फैब्रिक और अस्तर का हमें एक साइज सिलाई करने के बाद इसको पलट लेना है। तो देखिए हम 1/2 इंच का लगभग लेकर हमें यहाँ से सिलाई करना है।
तो देखिए दोनों पार्ट सिलाई कर लिया, अभी हम नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। तो देखिए ये काट नहीं लगाने से आपका नेक का फिनिशिंग अच्छा दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आपको ये काट देना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए पलटने से पहले हमें अस्तर का साइज से एक सिलाई करना है, ये सिलाई फिनिशिंग के लिए है। उसके बाद देखिए हम इसको सीधा साइड की तरफ से लेना है, तो इस तरीके से देखिए चाहता आप इसको यहाँ से सिलाई नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम यहाँ से एक सिलाई कर दिया। उसके बाद हमें टैक्स सिलाई करना है, टैक्स आपको कितने इंच तक लगाना है आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, लेकिन सिलाई आपको हाफ इंच लेकर ही सिलाई करना है। तो देखिए दोनों साइड का टैक्स सिलाई कर लिया। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट सिलाई करना है, तो देखिए फ्रंट पार्ट को किस तरह से सिलाई करना है। पेडल के लिए पहले हम देखिए फैब्रिक को अलग से इस तरीके से सिलाई करना है, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए फैब्रिक सिलाई कर लिया, अभी हम अस्तर सिलाई करना है। तो देखिए पेडल को हमें सिलाई करने के लिए अस्तर को भी अलग सिलाई करना है, फैब्रिक को भी अलग सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ से हम हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लगकर सिलाई करना है, क्योंकि ये अस्तर है इसलिए। देखिए इस तरीके से सिलाई किया, अभी हम पेडल के लिए हमें मेजरमेंट लेना है। यहाँ से हम देखिए 10.5 इंच पर रखूँगी, 10.5 इंच, और यहाँ से भी 10.5 इंच। फिर देखिए इसको किस तरह से लगाना है, इस तरह से लेना है। देखिए उल्टा साइड की तरफ से रखना है, पहले हम इसको देखिए पिंच पिन अप कर लेना है। ये पिंच पिन अप करने से ये सिलाई करने में आसान होता है, तो इसलिए हम पहले इसको पिन से पिन अप कर लिया। आपका पास पिन नहीं होने से आप इसको थोड़ा सा सिलाई कर रख दीजिए। तो देखिए अभी हम इसको किस तरह से सिलाई करना है, तो देखिए इस तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए पेडल सिलाई कर लिया, अभी हम इसको सिलाई करना है। तो देखिए इसमें भी हम अलग से नेक पोती सिलाई नहीं करना है, हम अस्तर और फैब्रिक को एक साथ सिलाई कर हम बाद में इसको पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें बराबर मिलाकर रखना है। पहले हम देखिए यहाँ से पिन से पिन अप कर लेना है सेंटर से, इस तरीके से। उसके बाद देखिए हम सिलाई करना है।
देखिए नेक सिलाई कर लिया, अभी हम नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। उसके बाद देखिए इसको पलटने से पहले हमें अस्तर का साइड से एक सिलाई करना है। देखिए सिलाई कर लिया, अभी हम इसको सीधा साइड की तरफ से लेकर आना है, तो इस तरीके से। चाहे तो देखिए आप इसको यहाँ से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ से सिलाई करना है, तो अभी हम देखिए कमर का साइड से पहले सिलाई कर लेना है। ये सिलाई हम इसलिए कर रहे हैं अस्तर और फैब्रिक अलग ना हो इसलिए। सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ से जो भी अस्तर फैब्रिक है हमें इसको काट कर देना है। उसके बाद देखिए हमें आमहुल का साइज से एक सिलाई करना है। ये सिलाई हम सीधा सिलाई करना है, देखिए फैब्रिक और अस्तर अलग ना हो इसलिए। उसके बाद हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है, तो देखिए ज्वाइन हम शोल्डर से करना है, यहाँ से हमें बराबर मिलाकर रखना है, यह हम हाफ इंच से ज़्यादा लेकर सिलाई करना है। उसके बाद हमें स्लीव सिलाई करना है, तो देखिए स्लीव को हम सेंटर से मिलाकर रखना है, हमें देखिए सेंटर से थोड़ा सा काट करके मिलाकर लिया है, यहाँ से सिलाई करना है। उसके बाद दूसरा साइड के स्लीव सिलाई करना है, इसको भी हम सेंटर से बराबर मिलाकर लेना है, तो देखिए इस तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए स्लीव का मुहरी से हमें एक फूल देना है, यहाँ से देखिए इस तरीके से फूल करके सिलाई करना है। दोनों स्लीव को हमें इस तरह से सिलाई करना है। देखिए स्लीव का मुहरी सिलाई कर लिया, अभी हम इस तरीके से इसको मिलाना है, मिलाकर हमें साइड से एक सिलाई कर देना है। ये सिलाई हम कमरपट्टी सिलाई करने के लिए यहाँ से पहले सिलाई करना है, तो देखिए साइड से इसको हमें बराबर मिलाकर लिया है।
तो देखिए सिलाई कर लिया। उसके बाद हम दूसरा साइड से भी सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हमें कमर पट्टी सिलाई करना है। तो देखिए कमर पट्टी को पहले से हम इसको किनारे से इस तरीके से हमें फूल करके सिलाई करना है। तो देखिए अभी हम कमर में सिलाई करना है। यहाँ से हम हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। उसके बाद हमें कमर पट्टी के साइड से और एक सिलाई देना है। तो देखिए सिलाई कर ली। अभी हमें इसको फूल करके सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हम 34 साइज के हिसाब से हमें सिलाई करना है। यहाँ से हमें निशाना देकर रखा है, उसी निशाना के हिसाब से हमें सिलाई करना है। तो देखिए ये सिलाई कंप्लीट है। उसके बाद हमें बैक साइड की तरफ से देखिए हमें बेल सिलाई करना है। इसको हम देखिए थोड़ा सा बड़ा रखकर सिलाई करना है। आप कितना साइज रखकर सिलाई करना है आप अपने हिसाब से रखकर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए ये उल्टा साइड की तरफ से सिलाई कर लिए। अभी हमें इसको सीधा साइड की तरफ से पलटना है। इस तरीके से पलटना है, फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इसको काट कर देना है। तो अभी हम इसमें लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें मशीन से सिलाई कर देना है इसको। फिर हमें इसके लिए दोरी सिलाई करना है। तो देखिए ये ब्लाउज का दोरी सिलाई करना है। फिर अभी हमें इसको पलटना है। तो देखिए हम सुई लेना है इस तरीके से। इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से हमें इस तरीके से लेना है। फिर देखिए इसको धीरे धीरे से बाहर निकालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा खींचना है, ज़्यादा नहीं।
तो देखिए इस तरीके से, देखिए। फिर हमें डोरी के लिए फ्लावर बनाना है, तो देखिए इस तरीके से, देखिए फ्लावर बनाना है, हम इसको सिलाई करना है। देखिए इसको हम त्रिकोण सिलाई करना है, फिर इसको हम काट करना है। काट करने के बाद देखिए हम इसको सीधा साइड की तरफ पलटना है इस तरह से। फिर दूसरा साइड में भी ठीक उसी तरीके से हमें सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हम बैक साइड में लगाना है इसको। तो देखिए 34 साइज पैरेलल ब्लाउज सिलाई कंप्लीट है। ये इस तरह से बैक साइड की तरफ से हमें बांधना है इस तरह से। और ये फ्रंट साइड है। देखिए अगर फ्रेम वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो देखिए इसका फिनिशिंग कितना अच्छा से फिटिंग्स आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ अगला वीडियो में।